हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की जो ये लेटेस्ट एडिशन के आपके पास आरटी शर्मा की बुक है ना मैथ्स की, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पेज नंबर 86 पे जो एग्जांपल नंबर 1 था वो करवाया था, है ना। तो चलिए आज पेज नंबर 87 के एग्जाम्पल्स करते हैं। एक चीज़ बताऊँगी, अगर आपने 86 वाला एग्जाम्पल नहीं किया जो पेज 86 पे था, तो आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उस एग्जाम्पल में मैंने आपको क्यूब वाली आइडेंटिटी कैसे लगाते हैं वो एक्सप्लेन किया था। तो आप एक बार वो एग्जाम्पल पहले ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 27 आपको ये दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपको दो इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपसे कह रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो क्यूब वाली है ना, तो आप क्या करो, पहले क्यूब वाली आइडेंटिटी एक बार लिख लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्यूब वाली आइडेंटिटी क्या लिख ली, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी एक बार लिख ली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस वाई। एक और चीज़ देखो, यहाँ मैंने x और y इसलिए लिया क्योंकि आपको क्वेश्चन में x और y दे रखा था। नॉर्मली आइडेंटिटी में हम a प्लस बी का होल क्यूब ऐसा बोलते हैं ना, तो बस कोई चेंज नहीं है, a की जगह x आ गया एंड b की जगह y आ गया, बाकी आइडेंटिटी सेम ही है। पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम x वाली लें या a वाली लें, दोनों आइडेंटिटी सेम है, कोई चेंज ही नहीं है। आप कोई सी भी ले सकते हो, क्वेश्चन में a और b दे रखा होता तो मैं यहाँ a और b की फॉर्म में लिख देती ये आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए अब मुझे गिवन क्या क्या है वो मैंने ना यहाँ साइड में लिख दिया है, जो जो चीज़ मुझे गिवन है। x प्लस वाई मुझे 12 गिवन है, x इंटू वाई मुझे 27 गिवन है। इस आइडेंटिटी में जहाँ जहाँ ये चीज़ें पुट हो सकती हैं ना, मैं उनको सिर्फ पुट कर रही हूँ। जैसे x प्लस वाई जो है 12 गिवन है, तो इसकी जगह 12 लिख दिया, पर क्यूब ऐसे ही रहेगा, उसे नहीं चेंज करना। यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, एक्स इंटू वाई मुझे 27 गिवन है, तो मैंने यहाँ 27 लिख दिया और x प्लस वाई मुझे 12 गिवन है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर 12 का क्यूब आपको करना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो वो जाएगा 1728। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसी है, ठीक है। 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी, तीनों आपस में मल्टीप्लाई के टर्म्स हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 972 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की तो वैल्यू ही निकालनी है, तो 1728 के पास क्या करो, 972 को ले जाओ और माइनस कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी 756, और यही वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो, और ये आइडेंटिटी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में सीखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पे। इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो यहाँ प्लस था तो मैंने प्लस वाली आइडेंटिटी लगा दी, अब यहाँ माइनस है तो देख के पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अब माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना। तो यहाँ लिखते हैं पहले, एग्जाम्पल नंबर है 3 हमारे पास, तो x माइनस वाई का होल क्यूब, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू में एक्स माइनस वाई, ये तो होती है। जो जो गिवन है ना वो मैं यहाँ साइड में लिख लेती हूँ, इसमें मैंने मेंशन कर दूंगी गिवन है। तो मुझे गिवन यहाँ पर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x इंटू वाई इज इक्वल टू 21, ये मुझे गिवन है, ठीक है। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब ऐसे ही रहेगा, x इंटू वाई की जगह 21 आ गया और यहाँ पर x माइनस वाई की जगह 4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक 4 का क्यूब मेरे पास हो जाएगा 64, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऐसे ही रहेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो ये आपके पास हो जाएगा 252 मल्टीप्लाई करके। मुझे वैल्यू निकालनी थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 256, इस वाली टर्म को दूसरी साइड ले गई, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इन्हें दोनों को प्लस किया, 316 मेरा आंसर, और यही वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स सिर्फ ए की वैल्यू गिवन है, निकालना आपको वही है जो ऊपर क्वेश्चन में निकालना था,
जैसे, पर वहाँ दो वैल्यूज़ होती थी, है ना, दो थी ना, जैसे ये वाली और ये वाली दो वैल्यू थी ना, पर यहाँ एक ही गिवन है। अब करेंगे कैसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 4 है ये हमारे पास, सेम पेज के ही है, पेज नंबर 87 के ही। सबसे पहली बात ना, मैंने क्या किया, आइडेंटिटी लिखी a प्लस बी के होल क्यूब की, क्योंकि मुझे प्लस वाली वैल्यू निकालनी है। पहले ये देखूँ तो सही इसमें क्या क्या चाहिए मुझे और क्या क्या है मेरे पास, है ना। तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और यहाँ पर है ब्रैकेट में a प्लस बी, यही तो है आइडेंटिटी, यही होती है ना। अब आपको यहाँ पर गिवन, अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन आपको सिर्फ ये है। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ये x से ये x तो कट गया, आपके पास बचा क्या, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब बराबर में x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस वन अपॉन एक्स। इतने की तो आपको वैल्यू ही फाइंड करनी है क्वेश्चन में, यही ना। और ये वैल्यू आपको ऑलरेडी 7 गिवन ही है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में चाहिए ही मुझे एक वैल्यू थी, इसलिए उन्होंने एक ही वैल्यू दी है। कई बच्चे होते हैं अटैम्प्ट करने से पहले ही सोचने लगते हैं, दो वैल्यू तो है ही नहीं, कैसे निकालेंगे। आप आइडेंटिटी लगाओ तो सही पहले, क्या पता उसमें नीचे कुछ कट हो जाए और एक ही वैल्यू चाहिए हो हमें, है ना। आप पुट करो, 7 का क्यूब हो गया, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब हो गया और यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है ना। 7 का क्यूब तो 343 हो जाएगा, ये मेरे पास एज इट इज़ है, और यहाँ पर मेरे पास 21 आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की तो वैल्यू निकालनी है, 343 में से 21 को मैंने माइनस कर दिया तो मेरा आंसर 322 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 322 निकल गई। क्लियर हुआ? चलिए इस पेज पे एक एग्जांपल और है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस पेज के भी एग्जांपल आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। कह रहे इफ़ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अब आप चाहो ना तो ये मेरे साथ साथ भी कर सकते हो, आपको आता ही होगा ये वाला क्वेश्चन करना। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो इस वाले में समझ लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के होल क्यूब की पहले मैंने आइडेंटिटी लिखी, ए क्यूब सॉरी माइनस का बी क्यूब आएगा ना, प्लस का तो नहीं आएगा, माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab अब ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी, ये तो कट गया। x माइनस वन अपॉन एक्स मुझे 3 दे ही रखा है, x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3, यहाँ पर भी 3 आ गया। 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी आ गई, 27 में आपको क्या करना है, सिंपली 9 को प्लस करना है, तो 36 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो आज हमने पेज नंबर 87 के एग्जांपल्स भी सारे कंप्लीट कर लिए। आपको पता है इस चैनल पे आरडी शर्मा के सारे एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज सबके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को क्या कराने वाली हूँ, पेज नंबर 88 पे भी इसके काफ़ी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 6 to 9 है, उनको कंप्लीट कर लेंगे कल। डेली एक एक पेज के एग्जांपल्स करते रहेंगे। पीछे के जो चैप्टर 1, 2, 3 हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं, प्लेलिस्ट बनी आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।